अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, तो 4 × 5 20 × 3 60 आ जाएगा। अब ये होल नंबर है और 77/60 को हम अगर ऐसे लिखते हैं, 60+17/60 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये भी हमें 60/60 होल नंबर आ गया और फिर 17/60। अब एक्स की वैल्यू हम ऐसे ही रखेंगे, 60 तो होगा ही और 17 में 60 को घटा देंगे यानी 43। 60 − 17 43, 43 + 60 अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो ये मिलकर के 60/60 दे देगा, तो ये आ जाएगी हमें एक्स की वैल्यू, जिसको जोड़ने से हमें 60 + 60 = 77 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ −13824। क्यूब रूट बनाने का निकालने का ट्रिक है, इसमें 3 का ग्रुप, जैसे 13824 है तो हमने 3 का ग्रुप बनाते हैं और फिर 2 का ग्रुप। अब फिर हम ये देखते हैं कि 13 किसका क्यूब है। इसमें क्यूब रूट का सवाल बनाने के लिए 1Q से लेके 10Q तक याद रखना होता है। अब 13 है तो जैसे 2 का क्यूब आता है 8 और 3 का क्यूब आता है 27, तो 3 का क्यूब हम इसके बदले में नहीं लिख सकते क्योंकि 27 आ रहा है, यहाँ 13 है तो 2 ले लेते हैं इसका आंसर। आंसर अब 2 माइनस तो होगा ही क्योंकि माइनस का क्यूब रूट माइनस ही होगा साइन, और 13 के बदले में हमने क्या लिखना है, 1Q 2Q 3Q से देखना है किसके नियरेस्ट है, और ये 3824 है 4। अब 4 हम देखते हैं, सिर्फ 4 को डिजिट को देखते हैं कि ये किसके लास्ट में आता है, तो 4 का क्यूब लेते हैं तो कितना आता है 64। बाकी किसी भी नंबर के क्यूब में अंत में 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर ये 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 162। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज। तो हम 3 पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे x+y+z ले लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 18 और फिर कहता है देयर प्रोडक्ट यानी x y z ये 162 है, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू थर्ड नंबर यानी x+y जो है वो जेड के बराबर है।
तो यहाँ से हमें इस दोनों इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू जेड की पुट अब यहाँ करते हैं तो एक्स जेड प्लस जेड, एक्स प्लस वाई की वैल्यू जेड है और इसको हम इस इक्वेशन पर पुटअप करते हैं तो जेड प्लस जेड बराबर 18 आता है, यानी 2z बराबर 18, तो जेड की वैल्यू 9 आ जाती है। अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि एक्स वाई जेड बराबर होता है 162। तो हम एक्स वाई गुना जेड की वैल्यू ने 162 आ जाता है, तो इससे हमें एक्स वाई बराबर मिल जाता है 18। अब एक्स वाई प्लस वाई 18 है और एक्स प्लस वाई बराबर जेड यानी 9 है। अब इस दो इक्वेशन, अब ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 आ जाता है। अब इससे हमें क्या मिल जाता है, एक्स प्लस वाई बराबर 9 और एक्स वाई 18। तो एक्स वाई जो 18 है इसको हम फैक्टर कर देते हैं, तो फैक्टर में हमें मिलता है 6 गुना 3, 9 गुना 2, ये सारे फैक्टर हो जाते हैं इसके, पर इनको आपस में जोड़ने पर 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आ जाता है। इसका मतलब ये फैक्टर सही है, एक्स वाई बराबर 18 है, तो हमने ये फैक्टर इसलिए नहीं लिया कि इस दोनों को जोड़ने पर 9 और 2 11 आ जाते हैं, जबकि कहता है एक्स प्लस वाई बराबर 9 आना चाहिए, यानी ये फैक्टर सही है। तो इसे हमें एक्स तीनों नंबर मिल गए, 3y बराबर 6 और z बराबर 9। अब हमें इसका स्क्वायर निकाल लेना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 36 और प्लस 81, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10, 9 चौ 15, 116, 1 3 1 12, 126। तो आंसर हमारा होगा 126। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन ए डिविजन सम द डिवाइजर डी इज 10 टाइम्स ऑफ द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर आर। इफ आर इक्वल टू 46 द डिविडेंड विल बी। सबसे पहले डिवीजन, डिवाइजर और कोसेंट में क्या रिलेशन होता है और रिमाइंडर में, ये हम जानेंगे। डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुना कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। अब हमें दिया हुआ डिवीजन डी इज 10 टाइम्स, हमें दिया हुआ डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोसेंट क्यूब। डिवाइजर इज 10 टाइम्स, ये डिवाइजर डी है, ये हमें दिया हुआ है 10 क्यूब, और फिर इसी के बारे में कह रहा है डिवाइजर इज 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। डिवाइजर है 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है 46, तो हम यहाँ से पुट अप कर देंगे 46, तो हमें
डिवाइजर कितना मिल जाएगा? दो सौ तीस। तो अब हमें डिवाइजर मिल गया, तो हमें कोसेंट भी मिल जाएगा क्योंकि डिवाइजर बराबर 10q है। तो इस दोनों इक्वेशन से q की वैल्यू कितनी आ गई? 23। तो हमें अब सारे सारी चीज़ें मिल गई। अभी इसमें हम फार्मूले में रख देंगे और डिविडेंड की वैल्यू निकाल लेंगे। डिवाइजर कितना है? डिवाइजर हमें मिला है 230। तो 230 कोसेंट मिला है 23 23, और रिमाइंडर कितना है? 46। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 23 को 23 का स्क्वायर हमें याद रखना पड़ेगा, 529 होता है, इसमें जीरो लगा देंगे एंड 46, तो ये आ जाएगा 6 9 4 13, तो 5336 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स इफ ही वर्क विद हिज सन, देन द सेम पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड इन 20 आवर्स इफ द सन वर्क्स अलोन, द ही कैन डू द वर्क इन। जब 30 और 20 कह रहा है, ए मैन जो है वो 30 आवर में काम करता है और बेटे के साथ मिलकर 20 आवर में, तो बेटा कितने में काम करेगा? इसको हमें ट्रिक से बनाना है। कैसे ट्रिक से बनाना है? तो वर्क इतना मानना है जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए, जैसे 30 आवर्स है और 20 आवर्स है, दोनों से डिवाइड, इस दोनों को 30 को 2 से गुना करते हैं 60, यानी 60 जो है ना अगर लेते हैं तो हम ये 30 से भी डिवाइड हो जाता है और 20 से भी डिवाइड हो जाता है। तो टोटल काम हमने क्या ले लेना है? 60, ये जो टोटल काम है वर्क। अब हमें देखना है मैन का, मैन 30 घंटे में कितना करता है? 60 वर्क। तो एक घंटे में कितना करेगा? 2 वर्क। और फिर मैन प्लस सन, ये 20 घंटे में कितना करता है? टोटल काम यानी 60 वर्क। तो ये एक घंटे में कितना करेगा? 3 वर्क। अब हमें मैन एक घंटे में 2 वर्क है, एम प्लस एन एक घंटे में 3 वर्क, और इसको हम माइनस कर देते हैं 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? एम प्लस एस माइनस एम, और एक घंटे में कितना वर्क? तो 3 माइनस 2, तो ये एम एम कट जाएगा और सन निकल जाएगा एक घंटे में 1 वर्क करता है। तो सन को अगर 60, तो सन एक वर्क एक घंटे में करता है, लेकिन वर्क तो टोटल 60 है, तो 60 वर्क कितने में करेगा? 60 घंटे में। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं, ए वाटर टैप फिल ए टब इन पी आवर्स एंड सिंक एट द बॉटम एम्प्टीज इट इन क्यू आवर्स, इफ पी लेस देन क्यू देन बॉट एंड बोथ टैप एंड सिंक आर ओपन द टैंक फिल्ड इन आर आवर्स देन। तो एम्प्टी वाला जो है उसको हम माइनस मान लेते हैं, तो टोटल काम 1/r होगा, कितना? 1/p और प्लस कितना? 1/-q, क्योंकि एम्प्टी जो है वो क्यू आवर्स में हो रहा है और एम्प्टी हमेशा माइनस हम मानते हैं, क्योंकि ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, तो इसको प्लस में लेते हैं। तो एक्चुअल इक्वेशन होगा 1/r, ये टोटल है,
अगर फिल आर आवर में फिल हो रहा था 1 बाई आर बटे 1 बाई पी माइनस 1 बाई पी, तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन दो है तो इसका आंसर ये आ जाएगा।